सोनिक द हेजॉग मूवी में मेन कैरेक्टर सोनिक होता है, जो कि एक हेजॉग है, मतलब एक छोटा जंगली चूहा। वो नीले कलर का है। हेजॉग अपने सुंदर से आइसलैंड में बहुत मस्ती करता था, दौड़ता था और खुशी से रहता था। वो जन्म से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स के साथ पैदा हुआ था। वो सुपरसोनिक स्पीड से दौड़ सकता था और सिर्फ 2 मिनट में ही पूरे आइलैंड का चक्कर लगा देता था, लेकिन उसे ये पावर छुपा कर रखने को कहा गया था। एक बार जब वो सुपरसोनिक स्पीड से दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचता है, घर में उसकी आंटी लैंगलॉक होती है। लैंगलॉक एक आउल है जिसने उसे पाला पोछा होता है। वो सोनिक से कहती है कि उसे सुपरसोनिक स्पीड से नहीं भागना चाहिए और उसको अपनी पावर सीक्रेट रखनी चाहिए ताकि उसके एनिमी उसका पता न लगा पाए। तब सोनिक कहता है कि उसे किसी ने देखा नहीं, लेकिन जब वो भागता हुआ आ रहा था तो कुछ एनिमी ने उसे देख लिया था। जब सोनिक और लैंगलॉक ये सब बातें कर रहे होते हैं, तभी वो सब एरो से उन दोनों पर हमला कर देते हैं। लैंगलॉक सोनिक को लेकर उधर से उड़ता है, तभी उसे एक एरो लग जाता है और वो नीचे गिर जाते हैं। तब लैंगलॉक सोनिक को बताती है कि उसके पास ऐसी पावर है जिनको लोग हमेशा पाना चाहेंगे। बचकर रहने का एक ही तरीका है कि उसे छिपकर रहना चाहिए। वो उसे रिंग का थैला देती है और बताती है कि इस रिंग की मदद से वो कहीं भी किसी भी प्लेनेट पर जा सकता है। और वो फिर उस थैले से एक रिंग को फेंकती है और एक पोर्टल खुलता है जो ब्रह्मांड की दूसरी तरफ, दूसरी दुनिया के लिए जाता है। वो सोनिक को जाने को कहती है और ऐसे सोनिक अर्थ में पहुंच जाता है। फिर हमें 10 साल बाद दिखाया जाता है ग्रीन हिल्स, जो एक छोटा सा शहर है, और एक पुलिस वाला जिसका नाम टॉम है, और वो स्पीड कैमरा से सुनसान पड़ी रोड में गाड़ियों की स्पीड चेक कर रहा होता है। तभी सोनिक वहां से भागता हुआ जाता है तो टॉम अपने स्पीड कैमरा पर इतनी ज्यादा स्पीड देखकर चौंक जाता है। तब उसे झाड़ियों में कुछ होने का एहसास होता है और जब वो रोड किनारे झाड़ियों में देखता है तो उसे सोनिक का एक ब्लू हेयर मिलता है जो चमक रहा होता है। दूसरी ओर सोनिक टर्टल के साथ थोड़ा एंजॉय करता है, फिर वो अपने रहने वाली जगह वापस चला जाता है। वो अर्थ में एक केव में रहता है जिसको उसने अपना घर बना लिया है। वहाँ सारी सुविधाएं हैं जैसे लाइब्रेरी, जिम और नया सिक्योरिटी सिस्टम। वो घर में बहुत मस्ती करता है, अकेले टेबल टेनिस खेलता है। तभी उसकी रिंग की थैली गिर जाती है और उसे याद आता है कि लैंगलॉक ने उससे कहा है कि अगर कोई उसका पीछा करे या उसे ढूंढ ले तो उसे रिंग की मदद से मशरूम प्लेनेट पर चला जाना चाहिए, जो सुरक्षित दुनिया है पर सिर्फ मशरूम से बनी है। उसे मशरूम पसंद नहीं, लेकिन वो इस बारे में कोई चिंता नहीं करता क्योंकि इस समय वो पृथ्वी में सबसे अच्छी जगह ग्रीन हिल्स में रह रहा है। इसके बाद वो ग्रीन हिल्स के पूरे शहर में घूमता है और उसकी स्पीड बहुत होने की वजह से कोई उसे देख नहीं पाता। वो अक्सर सड़क पर टॉम को ड्यूटी करते हुए, लोगों और जंतुओं की हेल्प करते हुए, उन्हें सड़क क्रॉस करते हुए देखता है। इसलिए सोनिक को टॉम पसंद होता है और वो टॉम को डोनेट देवता कहता है क्योंकि वो अधिकतर डोनेट्स खाते रहता है। टॉम ग्रीन हिल्स में अपनी वाइफ के साथ रहता है। वो एक वेटरनरी डॉक्टर है। ग्रीन हिल्स में एक बूढ़ा आदमी जिसका नाम क्रेजिक काल है, उसे सोनिक के बारे में पता चल जाता है और वो टॉम और ग्रीन हिल्स के लोगों को उसके बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता तो वो सोनिक को पकड़ने के लिए रेड ट्रैप लगा देता है। लेकिन सोनिक उनमें कभी नहीं फंसता क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और सोनिक उसे गेम की तरह एंजॉय करता है। सोनिक अक्सर चुपके से टॉम और उसकी वाइफ के घर के बाहर खिड़की से मूवी देखा करता था, लेकिन टॉम और उसकी वाइफ ने कभी सोनिक को देखा नहीं। वो कभी सोनिक से मिले ही नहीं। फिर भी सोनिक उन्हें परिवार की तरह मानता है, पर वो फिर भी अपने को हमेशा अकेला ही महसूस करता है क्योंकि वो अकेला ही रहता है। बस सब लोगों को देखता रहता है, उन्हें जानता है, उन्हें दोस्त समझता है, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा है। लेकिन अब वो अकेले अकेले बोर होने लगा था। टॉम के घर अक्सर रैकून आते रहते हैं और कूड़े से बचा हुआ खाना खाकर फैला देते हैं, जिससे टॉम हमेशा परेशान रहता है। एक रात जब वो अपनी ड्यूटी करके घर आता है तो उसे उसकी वाइफ बताती है कि उसका प्रमोशन हो गया है और उसे सैन फ्रांसिस्को पोस्ट कर दिया गया है, जो कि वो चाहता था।
दूसरी तरफ सोनिक अकेले अकेले बोर होकर बच्चों का बेसबॉल मैच देखने चले जाता है। उसे ये गेम अच्छा लगता है। जब मैच खत्म होता है और सब लोग चले जाते हैं तो सोनिक अकेले ही बेसबॉल खेलने लगता है, पर वो वहाँ भी अपने को अकेला ही पाता है और इसी वजह से ग्राउंड में दौड़ना शुरू कर देता है और इतनी ज्यादा स्पीड से दौड़ने के कारण वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा विस्फोट होता है और शहर की सारी लाइट चले जाती है। वेट जो टॉम का फ्रेंड होता है वो भी पुलिस ऑफिसर है, टॉम को फोन करता है और लाइट जाने का कारण पूछता है। तब फोन करते हुए टॉम की नजर उस बाल पर पड़ती है, वो बाल चमक रहा होता है, उससे प्रकाश आ रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है यूनाइटेड स्टेट आर्मी मीटिंग करती है और ये डिसीजन लेते हैं कि वो एक टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट साइंटिस्ट जिसके पास 5 PhD है उसी को उस विस्फोट का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपते हैं, जिसका नाम रोबोटिक है। बेसबॉल ग्राउंड पर जाता है और आर्मी को उसके काम में दखल देने से मना करता है। फिर वो अपने ड्रोन्स को यूज करके आसपास की जगह की जांच करता है और उसे स्कैन करता है। वहां पर उसे सोनिक के पैरों के निशान मिल जाते हैं। सोनिक सोल्जर्स को अपनी ओर आता देख उसे रियलाइज होता है कि ये जगह अब उसके लिए सेफ नहीं है। वो दौड़ता हुआ अपने घर जाता है और अपना सामान लेता है, खासकर वो थैला जो उसकी आंटी ने दिया था। अब उसके पास मशरूम वाले प्लेनेट में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था, लेकिन जब तक वो रिंग फेंक कर पोर्टल खोलने की सोचता आर्मी उसका पीछा करते हुए वहां तक आ जाती है और अब उसे रिंग यूज करने के लिए एक सुरक्षित स्थान चाहिए था, इसलिए वो टॉम के घर चला जाता है और चुपचाप उसके घर में घुस जाता है। उस समय टॉम घर में अकेला होता है, उसकी वाइफ सैन फ्रांसिस्को अपनी बहन के घर गई होती है। आवाज सुनकर टॉम ट्रैंक्विलाइजर गन उठा लेता है, उसे लगता है कि कोई रैकून घर के अंदर घुस गया है और वो रूम में देखने लगता है। सोनिक उस समय मशरूम प्लेनेट में जाने के लिए हाथ में रिंग पकड़कर उसे फेंकने की सोच ही रहा होता है कि टॉम उधर आ जाता है और एक दूसरे को देखकर वो चौंक जाते हैं। टॉम ने पहली बार सोनिक को देखा, पर सोनिक तो उसे पहले से ही जानता था। टॉम हड़बड़ाहट में गन चला देता है जो सोनिक के पैर में लग जाती है और उसके हाथ से रिंग गिर जाती है और पोर्टल खुल जाता है जो सैन फ्रांसिस्को की स्काई स्क्रैपर बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर खुलता है और उसमें सोनिक की थैली गिर जाती है और सोनिक बेहोश हो जाता है। जब सोनिक होश में आता है तो वो टॉम को बताता है कि उसकी वजह से उसने अपनी रिंग्स खो दिए, उसे मशरूम प्लेनेट पर होना चाहिए था। तभी रोबोटिक सोनिक के फुटप्रिंट का पीछा करते हुए टॉम के घर के बाहर आ जाता है। सोनिक टॉम को बताता है कि वो उसके लिए आए हैं और टॉम से हेल्प मांगता है। टॉम अपने हेल्पफुल बिहेवियर की वजह से उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो सोनिक को फर्स्ट फ्लोर में छुपने के लिए कहता है। तब रोबोटिक टॉम के घर जाता है और बहाने बनाकर अंदर घुसने की कोशिश करता है। टॉम के मना करने पर वो अपने ड्रोन से फर्स्ट फ्लोर पर तलाशी स्टार्ट कर देता है और सोनिक ड्रोन की रेंज से बचते बचते सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। गिरने की आवाज सुनकर रोबोटिक जबरदस्ती टॉम के घर के अंदर घुस जाता है। जब वो अंदर आता है तो देखता है कि रैकून टॉम के घर का खाना खा रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजर टॉम के पास ही बेड पर रखे सोनिक के बाल पर पड़ती है और वो सोनिक को बाहर आने के लिए 5 सेकंड का टाइम देता है और सोनिक को धमकाता है कि अगर वो बाहर नहीं आएगा तो वो टॉम को मार देगा। तब सोनिक बाहर आ जाता है, तभी टॉम डॉक्टर रोबोटिक के मुंह पर मुक्का मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाता है और टॉम और सोनिक कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। टॉम रास्ते में कार रोकता है और सोनिक से कहता है कि उसे अब अपने आप ही सैन फ्रांसिस्को जाना पड़ेगा, रास्ते में उसे सैन फ्रांसिस्को मिल जाएगा। तब सोनिक चला जाता है, उसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो आधा रास्ता तय कर वापस भी आ जाता है और टॉम से कहता है कि रास्ते में तो ओशियन है, वो अकेले नहीं जा सकता और टॉम को ब्लेम करने लग जाता है कि अगर उसने उसे ट्रैंक्विलाइज नहीं किया होता तो आज वो मशरूम प्लेनेट पर होता। टॉम इसे अपनी गलती समझता है और उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। तब सोनिक कार में बैठ जाता है और दोनों सैन फ्रांसिस्को की तरफ अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं और रास्ते में सोनिक दुनिया की सबसे बड़ी रबड़ बैंड बॉल देखने जाता है।